क्या आप भी फ्री में ऐसे कस्टम कलर्स बनाना चाहते हैं? आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूं जहां पर आप फ्री में थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखकर उसमें कस्टम कलर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के कस्टम फॉन्ट कलर्स हैं उनको आप एक बार बनाकर बार बार इस्तेमाल करें तो ये वीडियो आपके लिए है। आप भी चाहते हैं कि आप अपने थंबनेल्स के लिए कस्टम टेक्स्ट कलर्स जनरेट करें तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक लाजमी देखना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी फ्री में इस तरह का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मैं इस टॉपिक पर बनाने वाला हूँ। तो चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से कस्टम कलर्स बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन कर ली है और यहाँ पर देखें तो मेरे पास मुख्तलिफ टेक्स्ट हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें से जो टेक्स्ट है मैं फ्यूचर में भी इस्तेमाल करूँ, मुझे बार बार इसमें जो शेडो और स्ट्रोक है वो ना लगाना पड़े और इसी फॉन्ट को या कस्टम जो स्टाइल हमने बनाया हुआ है टेक्स्ट का इसको हम सेव कर लें और बार बार हमें ना बनाना पड़े, तो आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेना है और उसके बाद आपने जस्ट करना क्या है कि जैसे मेरे पास ये कस्टम है और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, इसमें जो स्ट्रोक लगा हुआ है ये हमेशा ही मैं यूज़ करता रहूँ सिर्फ एक क्लिक में, तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपने आना है स्टाइल में, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्टाइल पे जाकर ब्रोज में जाएंगे और माय स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पर देखें वो स्टाइल यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास फॉन्ट लिखा हुआ है, तो अगर हम चाहते हैं जो कस्टम यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें जो स्टाइल है हमारा वही हम यूज़ करें तो हम दोबारा स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से हम ब्रोज पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम माय स्टाइल में जाते हैं, जो हमने सेव किया होगा जो स्टाइल हमने बनाया है जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें वही स्टाइल दूसरे फॉन्ट में भी दूसरे टेक्स्ट में भी ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप अगर ये वाला करना चाहते हैं तो आपने स्टाइल पे जाना है और यहाँ से सेव पर क्लिक करना है, ओके प्रेस कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो आप अगर फॉन्ट का कलर इस जैसा बनाना चाहते हैं जो यहाँ पर कैसे बनाकर इस्तेमाल करते हैं लिखा हुआ है, तो आपने स्टाइल पे जाना है, यहाँ से ब्रोज पे क्लिक करें, माय स्टाइल्स में जाएं और यहाँ पे जस्ट आप एक टाइम क्लिक करेंगे वही स्टाइल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा या क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी कस्टम स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में भी उसको इस्तेमाल कर पाएँ। तो हूँ ये छोटी सी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नासिर उर्दू टेक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए।